जय श्री महाकाल। साथियों, आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो एक स्थान पर आता है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास प्रभास पाटन नामक स्थान पर स्थित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला और सबसे प्राचीन माना जाता है और इसका हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। तो चलिए सुनते हैं आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। यह जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को शाप दिया कि जाओ, आज से तुम शहरों के मरीज हो जाओ। शापवश देवचंद्र शहरों से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस श्राप से मुक्त होने का ब्रह्मदेव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर सोमनाथ मंदिर है, उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से आप ग्रसित रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में भी एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की उपासना करने का प्रचलन चालू हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित है। साथियों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।